कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। अब ये एक संदेश आता है चित्तौड़ के किले में, तो पूरे किले में बड़ी अफरा तफरी मच जाती है कि महाराणा पहले ही नहीं है और अब ये नया हमारे पर क्या आ गया। तो यह दारुण संवाद लहर सा तोड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरक्षित से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, सतित्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। यह लोक श्रुति है कि महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं को लेकर, कोई विश्वस्त साथियों को लेकर जंगल जंगल गई, और एक जगह पर उन्होंने पेड़ के नीचे सेनापति गोरा तलवार लिए मिल गए, तो वहां उनसे उन्होंने बात की। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का मन ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जाने। अभ्यंग में कहता है, कष्ट में है, दुख में है, पूरी परंपरा, पूरा वंश उसने सेवा में लगाया मेवाड़ राजवंश के, और वहां से अपमानित होकर लौटा है, तो कष्ट में है। तो सेनापति कहता है कि बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जाने, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हटके से पहचानो। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की यान मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब पद्मिनी महारानी, पद्मिनी मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति, वो सेनापति को प्रणाम कर रही है चरणों में झुक के। ये क्या दृश्य है, हे, ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट, बोला। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। इन शब्दों से सम्मानित कर रहा है महारानी को। वो उस समय कैसी स्थिति रही होगी महारानी की, के पति कैद में है, जहां जंगल में हूं, लेकिन वो उनको बता रहा है कि आप कौन हो। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा, एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा का आदेश हुआ सदगे 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। एक युवा तेजस्वी योद्धा और मातृवत मां पद्मिनी ने जब उसे विदा किया होगा, दृश्य देखिए, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में, हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले, पांचों ही अपने आप में अद्भुत थे। बजा कूच शंख सैनिकों ने जयकारी लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभग अभिमानी। उन्हें पता है कि वो जहां जा रहे हैं वहां से जीवित वापस आना बहुत मुश्किल है,
कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंचे डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का, यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे की खी तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अब आप तैयारी देखिए कि कितनी कठिन, पूरी सेना खिलजी की और ये चंद लोग, और उसके बाद भी अपने महाराज को महाराणा को किस तरह मुक्त कराने के लिए क्या संकल्प है कि उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो बढ़कर रण करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए, ऐसा ही कोगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। क्या तो गोरा है और क्या उसका भतीजा बादल, ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी, तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लो, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड़ लड़ा लू। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया, सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, ऐसा ना हो जाए कमजोर हो जाए, इसने कहा सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, उस अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे लोग नहीं है जो इतने आराम से मान जाएंगे, ये तिरानी आ रही है और उसकी सखियां आ रही हैं, उसको संकट था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था, जब यह मिलन लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा, दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया कि आप तो जाई, राणा चले तभी शानी शाही सेना लहरा कर आई, राणा इधर चले उधर से शाही सेना को संकेत हुआ कह रहे हैं तो राणा को इन्होंने मुक्त करा लिया, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई, खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरोद्धम लेना, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा, निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने, वही जो सब बैठ के आई थी सखियों के वेश में, जो सबक सेनापति आए थे, जो सेना नायक आए थे, वो लड़ मरे। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था, कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे, रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी, यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा, खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे, इतने सारे सैनिक और एक योद्धा, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से, वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था, इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की
दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिप कर वार किया था, पैर पर तलवार मार दी, जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही सेना शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, वे ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे, तो उनका कबंध उनका धड़ लड़ रहा। जफर मोहम्मद ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, अरे कायरो नीच बांगड़ो छल में रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो, यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्नि शिरा छूटा था, ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या पंडित जी ने क्या उत्तम शब्द इस्तेमाल किया है, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी, कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, पेट फट गया और पगड़ी उतारी और इस पर बांध, रंचक डिगा नमः प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से, अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर मैं रण में लड़ती हूँ आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था, मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कट कर रण में खेत रहे थे, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्या क्या युद्ध था, क्या युद्ध है, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी, धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ।